सुपरस्टार प्रभास, अभिनेत्री कीर्ति सेनन और सैफ अली खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म आदि पुरुष शुक्रवार 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन वहीं इस फिल्म के किरदारों के डायलॉग्स फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आए, जिस वजह से सोशल मीडिया पर यूजर्स, मेकर्स और ट्रोल करने लगे। यह फिल्म रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। आदि पुरुष में भगवान हनुमान के डायलॉग को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिस पर अब डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने साफ पेश की है। दरअसल आदि पुरुष में हनुमान के डायलॉग पर हुए विवाद पर मनोज मुंतशिर ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उन्होंने ऐसे डायलॉग्स क्यों लिखा। मनोज मुंतशिर का कहना है कि जिस डायलॉग्स को लेकर हल्ला हो रहा है उन्हें जानबूझकर ऐसा लिखा गया है जिससे आजकल के लोग जुड़ सकें। मनोज ने एक चैनल के साथ बातचीत में कहा कि सिर्फ हनुमान जी की बात क्यों हो रही है, मुझे लगता है अगर बात होनी चाहिए तो हमें भगवान श्री राम जी के जो संवाद हैं उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। हमें जो माँ सीता के संवाद हैं, जहाँ वह रावण को अशोक वाटिका में बैठाकर चुनौती देती है कि रावण तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके, इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है। मनोज ने कहा कि ये डायलॉग जानबूझकर लिखे गए हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। बजरंग बली के डायलॉग एक प्रतिक्रिया से गुजरे हैं, हमने इन्हें बहुत सिंपल रखा है। एक फिल्म में कई किरदार हैं तो हर कोई एक भाषा में नहीं बात कर सकता, ऐसे में कुछ अलग होना जरूरी है, इसलिए इसी तरह से लिखा गया है।